हेलो दोस्तों, तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एक्सटेंड सरफेस क्या होता है, उसके बाद ट्रिम भी देखा था, अनट्रिम भी देखा था और नीट भी कमांड कवर किया था, थिकन कट। तो मैं एक स्केच निकालता हूँ उसके लिए। ओके, तो हमने यहाँ पे एक बॉस एक्सट्रूड करके एक ऑब्जेक्ट ये निकाल दिया, एक क्यूब। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा जो थिकन सरफेस है वो, तो जैसे मैं फिर उसके बाद मैं यहाँ पे सरफेसिंग पे जाता हूँ, देखो हमारा यह जो थिकन कट है यह एक्टिव हो जाता है। तो थिकन कट हमें अगर कट वगैरह मारना है तो हम यहाँ पे थिकन कट यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ सरफेस के। तो जैसे हम यहाँ पे थिकन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो, कट सॉलिड मॉडल बाय थिकिंग वन और मोर एडजेसेंट सरफेस। तो जैसे मैं यहाँ पे कमांड पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद मुझे जो कट करना है वो मैं यहाँ पे थिकन सरफेस क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे हमने यहाँ पे थिकन ऐड करते थे वैसे यहाँ पे आप कट कर सकते हो, जैसे कि फर्स्ट साइड है, उसके बाद फिर बोथ साइड थिकन, उसके बाद सेकंड साइड जो हमारा थिकन करना है। तो उसके बाद यहाँ पे वैल्यू अगर आप कंट्रोल कर सकते हो, तो अभी मैं यहाँ पे वन साइड रखता हूँ, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। तो यहाँ पे आपको पूछता है ऑल बॉडी के लिए चाहिए या सिलेक्टेड बॉडी, तो यहाँ पे आप ऑल बॉडी सिलेक्ट कर देना, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा कट हो जाता है। तो ये होता है थिक एंड कट। जैसे मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे बोथ साइड जाता हूँ, यहाँ पे वैल्यू में थोड़ा कम कर देता हूँ, 5 या फिर उससे भी कम कर देता हूँ, 2। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, उसके बाद ऑल बॉडीज यस, दोनों में यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो ये होता है थिकन। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।